लेखपाल सौरभ व राघवेंद्र सरकारी कार्य कर रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंची और लेखपालों की पिटाई कर डाली और उन्हें थाने ले गई। अरौल क्षेत्र में लेखपाल सौरभ और राघवेंद्र एनएचआई सर्वे का कार्य कर रहे थे। विवादित मकान का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। उस मकान नंबर के आगे उन्होंने विवादित लिख दिया। तब तक सादी वर्दी में दरोगा राधेश्याम गुप्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने विवादित शब्द का इस्तेमाल किया। राघवेंद्र के हाथ में रजिस्टर था। लेखपाल ने कहा कि यह क्यों लिखा है कि यह मकान विवादित है। इन लोगों ने कहा कि जो सही है वही लिखा है। लेखपाल राघवेंद्र के हाथ से रजिस्टर छीनने लगे। दरोगा जी का लेखपालों ने विरोध किया तो दरोगा जी लेखपालों के साथ मारपीट करने लगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। साथ ही लेखपालों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें चौकी ले आए और दरोगा ने डंडे से लेखपालों की पिटाई कर दी। एसडीएम बिल्लौर व तहसीलदार को सूचना मिली, जिससे उन्होंने संज्ञान में लेते हुए बिल्लौर कोतवाली में पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। तब दरोगा राधेश्याम गुप्ता को लाइन हाजिर किया गया। लेखपालों ने नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन से मांग की है कि दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए, अन्यथा वे काम का बहिष्कार करेंगे। कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। आज यह सूचना आई है कि दो लेखपालों और एक सब इंस्पेक्टर के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसमें कुछ अप्रिय घटना भी हुई है। इस संबंध में प्रारंभिक जांच की गई है और मेरे और डीवाईजी साहब के विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जरूर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो प्रारंभिक जांच के बाद ये पता चल रहा है कि सब इंस्पेक्टर जो वहाँ पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक होगी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इसके बाद फर्दर जो एक्शन लिया जाएगा वो जो डिटेल जांच हो उसके आधार पर लिया जाएगा। धन्यवाद।